और मोदी मंत्रिमंडल में कृष्णराज को बाल एवं विकास राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया। नई जिम्मेदारी को संभालने पर उनके पास कौन कौन सी चुनौतियां होंगी और उनके एजेंडे में क्या होगा, इस सब पर उनसे बात की समाचार प्लस ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णराज जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले तो मंत्रालय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई समाचार प्लस की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बहुत ही अहम मंत्रालय माना जाता है, चूंकि महिलाओं से जुड़ा मसला है, बच्चों से जुड़ा मसला है। ये मंत्रालय जब आपको दिया गया, जब आपके पास फोन आया, तो पहली बार दिमाग में आपके क्या आई होगी कि मुझे ये मिला है और अब मुझे इसको लेकर ये करना है? मुझे बहुत खुशी हुई कि देश की जो जनसंख्या है उसकी आधी आबादी की सेवा करने का मुझे मौका, और भारत के भविष्य जो हमारे बाल हैं, बच्चे हैं, उनके लिए काम करने का मुझे मौका मिला है और मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, ऐसी मेरी कल्पना है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि इस सरकार में राज्य मंत्रियों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे कहा उन्होंने? निश्चित बात है कि जो भी है, एक कार्यकर्ता की हैसियत से मंत्री तो पद है, लेकिन एक कार्यकर्ता की हैसियत से उन तमाम योजनाओं को जो देश की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है कि जन जन तक उसका लाभ पहुंचे, उसमें हम लोग धरातल पर ले जाने का कार्य करेंगे। हम स्वयं व्यक्तिगत तौर पे कहेंगे कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता कैसे पाए, उसके लिए हम जमीन पर जाएंगे। समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीमती कृष्णराज जी का साफ साफ कहना है कि देश की आधी आबादी का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको सौंपा है, देश के भविष्य यानी बच्चों का जिम्मा भी सौंपा है, और ये पूरी कोशिश करेगी अपने मंत्रालय में पूरी तरह से काम करने की, ताकि एक कामयाबी का रिकॉर्ड ये दर्ज कर सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन हरीश के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस।